हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मोहू के लिए कुछ स्पेशल। स्पेशल क्या, उसकी फेवरेट है, तो बस उसके लिए मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। उसको बहुत अच्छा लगता है, उसने लंच नहीं किया तो सोचा उसके लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना देती हूँ। तो बस मैंने पास्ता उबलने रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूजी का पास्ता है, कुछ मतलब गंदा, मतलब वैसा नहीं है कि अनहाइजेनिक हो, बट सूजी का पास्ता हेल्दी है। देखो ये पास्ता उबल चुका है मेरा, कि तैयार करने जा रही हूँ क्रीम। अब मेरे पास पनीर नहीं है, अगर पनीर होता तो हेल्दी क्रीम तैयार हो जाती वाइट। अब पनीर नहीं है तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा उसमें मैदा यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं उसकी क्रीम कैसे बनाती हूँ। पहले मैं शिमला मिर्च और प्याज को ऐसे हल्के से ऑयल में सौते कर रही हूँ। ये थोड़ा सा सौते हो जाएगा तो फिर मैं उसको उसकी ग्रेवी में डाल दूंगी। मतलब 5 मिनट तक आपको ऐसे सौते करना है। मैंने डाला है, अब मैं बना रही हूँ व्हाइट क्रीम। पहले मैंने इसमें डाला है बटर। अब इसमें डाला है मैंने 1 स्पून के लगभग, मतलब 1 स्पून या 2 स्पून के लगभग, क्या बोलते हैं, मैदा। अब पहले मैं इसको रोस्ट करूँगी थोड़ा सा, मतलब हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, खुशबू मतलब डिफरेंट हो जाएगी। तब आप इसको, इसमें आप डालोगे दूध, तो तब मैं इसको ऐसे हिलाऊंगी। कलर चेंज तो नहीं, मतलब खुशबू निकल जाती है इसकी, जिससे पता चलता है कि मैदा रोस्ट हो गया है। इसका देखो कलर हो गया डिफरेंट थोड़ा सा। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। ये देखो मैंने इसमें डाल दिया दूध। ये देखो बन गई क्रीम। मुरी थोड़ी सी मतलब हार्ड नहीं चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा और दूध डालूंगी, इसको और पतला करूंगी। और धीरे धीरे दूध डालना है आपको, ताकि क्या है मतलब इसमें वो लम्स नहीं पड़े। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ा हल्का सा नमक। अब डालूंगी जो मैंने वेजिटेबल सौते करी थी, वेजिटेबल्स मैंने कम डाली है इसके अंदर, क्योंकि मोहू वेजिटेबल्स कम खाती है, पास्ता पास्ता ज्यादा खाती है। ये थोड़ी सी फिर से हार्ड हो गई है ग्रेवी। अब मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता। ये देखो ये पास्ता मेरा बनके है तैयार। अब मोहू उठेगी तो मैं इसमें से डालूंगी हल्का सा मिल्क, क्योंकि ये तो हार्ड हो जाएगा। बस उठेगी तो मैं इसमें हल्का सा मिल्क डालूंगी और इसको गर्म कर दूंगी। बस इसमें काली मिर्च डालना भूल गई मैं, और हल्की सी मैंने इसमें डाली काली मिर्च, ज्यादा नहीं थोड़ी सी, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं खाती है। देखो ये मेरा पास्ता बनके रेडी है। पास्ता तो मेरा बनके रेडी हो गया, और एक तरफ मैं मोहू के लिए कर रही हूँ मखाने रोस्ट, क्योंकि वो डेली खाती है रात को दूध के साथ। तो मैं मखाने दिखाती हूँ आपको अभी। देखो एक तरफ मैं उसके लिए मखाने रोस्ट कर रही हूँ। नीचे लगने लग गए हैं, ये बंद करना पड़ेगा। पास्ता के चक्कर मैंने मखाने हिलाए ही नहीं है, बस कोई नहीं, जो नीचे लग गए वो मैं खा लूंगी, बाकी वो खा लेगी मोहू। बस ये मेरे मखाने रोस्ट हो गए हैं। अब तैयारी करूंगी मैं थोड़ी देर में पाव भाजी की, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ। पाव भाजी सामान मैंने सारा डाल दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं बना पाई उस समय, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या डाला है। प्यूरी, मटर, आलू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, पाव भाजी का मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर आएगा। टोमेटो मेरा रेड नहीं था तो कलर मुश्किल आना, मुझे कलर डालना पड़ेगा। बस अब मैं करने जा रही हूँ इसको ऐसे मैश। इसमें मुझे डालनी पड़ेगा कलर, क्योंकि टोमेटो में बिल्कुल कलर नहीं है। अगर टोमेटो में रेड कलर होता है तो कलर डालना नहीं पड़ता, मुझे पूरा रेड कलर इसमें आ जाता मार्केट जैसा। अब मुझे
कलर डालना पड़ेगा इसमें और मैश कर देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मैंने मैश कर दी है इसको। अब इसमें लगाऊंगी मैं फाइनल तड़का। उसी कढ़ाई में अब मैंने डाला थोड़ा सा बटर। अब मैं डालूंगी यहाँ पे चॉप की हुई प्याज। ये खासे आ नहीं पा रहे, मैं पहले प्याज डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। और मैंने इसमें डाल दिया प्याज और जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए उसके बाद मैं ये सारा मसाला डालूंगी इसके अंदर। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज मेरे भुन गए थे, मैंने इसमें डाल दिया ये अपना और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला कलर साथ में। मैंने इसमें मसाला डाल दिया। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी और फिर दोबारा से थोड़ा सा मैश करूंगी इसको क्योंकि अच्छे से अभी ये खड़ा खड़ा है। कि कोई कोई ऐसे ऐसे खाता है, कोई कोई पतला पतला खाता है, तो इसलिए अभी ये भाजी थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैं पानी डालूंगी इसके अंदर और मैश करूंगी अभी। मैं इसमें डाल दिया पानी। और मैश कर देती हूँ फिर मेरी पाव भाजी रेडी है। ये मेरी रेडी है पाव और भाजी। मैंने हाफ ही पाव लिया क्योंकि मुझे हाफ ही खाना था, बाकी इनको मैंने दे दिया है और मोहू भी खा रही है साथ में। बस रात हो चुकी है और बर्तन अभी मेरे धोने हैं तो बस मैं धो के फटाफट पता नहीं क्या गिराती रहती है लड़की, तो बस इसको भी सुलाऊं क्योंकि बहुत रात हो गई है, 12 बज गई है और ये सोने का नाम नहीं ले रही है, तो फटाफट इसको सुलाती हूँ। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।